हेलो, चलो कुछ सीखते हैं। इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, स्ट्रॉन्ग स्टॉक कॉन्सेप्ट। जो मुझे फॉलो करते हैं वो जानते होंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब एक स्टॉक जो है वो मार्केट के मुकाबले विजावेस कितना स्ट्रांग है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, ये जितने भी मैं स्टॉक एग्जांपल देता हूँ आप प्लीज़ उसको एग्जांपल के रूप में समझिएगा, मेरा कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। जैसे CESCA, ये कलकत्ते की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, तो बहुत ही पुरानी कंपनी है। काफ़ी दिनों से इसके स्टॉक प्राइस के अंदर में अंडर परफॉर्मेंस था। ये देख रहे हैं आप, ये वीकली चार्ट है और बहुत ज़्यादा इसमें एक्साइटमेंट था नहीं, अंडर परफॉर्मेंस था। बट ओवरऑल पावर सेक्टर के अंदर में काफ़ी तेज़ी है। और वो कैसे पता लगा? वो पता लगता है जब आप सेक्टर रोटेशन ट्रैक करते हैं, जब एक सेक्टर के अंदर में बाकी सारे स्टॉक्स जो हैं उनको ट्रैक करते हैं तो आपको पता लगता है। तो पावर सेक्टर के अंदर में एक इंटरेस्ट था, जो मेजर पावर स्टॉक्स थे जैसे टाटा पावर वगैरह काफ़ी तेज हो गए। ये जो स्टॉक है ना, ये इतना परफॉर्म नहीं किया था। अचानक से एक दिन इसमें वॉल्यूम नज़र आया। और वो कैसे नज़र आया? ये ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर में मुझे नज़र आया कि ये स्टॉक ट्रेंडिंग है। 5-6% तेज हुआ था उस दिन शायद, और उसमें वॉल्यूम भी था। वॉल्यूम मतलब एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम था। तो मैंने फटाफट इस स्टॉक का चार्ट खोला और यहाँ पर मैंने देखा, ये वीकली चार्ट है, कि इसने वीकली चार्ट में यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया। यहाँ था, यहाँ था, यहाँ तक लेवल को ब्रेकआउट दिया। मैंने इसको ना स्टडी भी किया स्टॉक को, बेसिक फंडामेंटली कि इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल क्या है। तो उस समय तो कम था एक्चुअली पी, फिर ये बढ़ गया तो पी भी बढ़ गया, और डिविडेंड यील्ड भी इसके अंदर में तकरीबन 5% डिविडेंड यील्ड थी। तो ब्रेकआउट मिला, फंडामेंटल बेसिक ठीक लगा। कलकत्ते की कंपनी थी तो पता है कि ठीक ही है, उतनी कोई बुरी नहीं, बहुत ग्रेट नहीं है बट ठीक है, उतनी बुरी भी नहीं है। और यहाँ पर मोमेंटम भी दिख गया तो इसमें एक एंट्री कर ली। ओके, इसमें मेरा पोजीशन हो सकता है, मैं फिर वॉर्न कर रहा हूँ, आप अपना सोच समझ के कीजिए। हो सकता है कि मैं एग्जिट भी कर गया हूँ। अब देखो इसके अंदर में क्या है, ये स्टॉक तेजी तो है, इट हैज़ गॉन अप, बट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, काफ़ी जल्दी बढ़ गया। हमेशा ना स्टॉक धीरे धीरे बढ़े तो बेटर रहता है। अगर बहुत ज़्यादा बहुत हड़बड़ी में बढ़ जाता है तो ये मोमेंटम स्ट्रेच हो गया है। स्ट्रेच मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई होगा? ये जो RS है ये ऊपर चला गया, काफ़ी काफ़ी ऊपर चला गया, जल्दी चला गया, तो एक स्ट्रेच मोमेंटम आ गया। दूसरा, ये जो RS है ये ना, ये इस स्टॉक के प्राइस एक्शन को हिस्टोरिकली ट्रैक करता है 14 दिन के हिसाब से। तो ये 90 के करीब, 90-95 के करीब चला गया, इसका मतलब ये स्ट्रेच हो गया है। तो हो सकता है टाइम बेस करेक्शन हो सकता है कि इसमें प्राइस बेस करेक्शन हो। तो आइडियली सिचुएशन में क्या होना चाहिए, अगर सही टाइम पे घुस गए ना तो थोड़ा तो बुक कर ही लो ताकि रात को नींद आने लग जाए। और अगर आप घुसे नहीं हैं अभी तक तो ऑब्वियसली छोटे छोटे क्वांटिटी से एक्सपेरिमेंट। वेल दी, ये स्टॉक अब घुसने लायक नहीं रहा बिकॉज ये ऑलरेडी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट कोई और स्टॉक मिल जाएगा जिसमें हम घुस पाएंगे। एग्जाम्पल दूँ, जैसे एग्जाम्पल है, अगेन नॉट ए रिकमेंडेशन, एक स्टॉक है InfoEdge, नौकरी ढूंढे। ये स्टॉक है ना हमारे स्टॉकेज के अंदर में, केस स्टडी में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। ये देखो, ये वही वीकली चार्ट है, इसमें मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। हाँ, और ये एक मदर स्टॉक है, जो स्टॉकेज के अंदर में अगर आप थीम्स देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर मदर स्टॉक थीम्स है, ये थीम्स मैंने बनाई है, ये बच्चों के लिए स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स है। तो यहाँ पर भी नौकरी है InfoEdge, जो काफ़ी टाइम से SIP कैंडिडेट रहा है, तो इसके अंदर में ब्रेकआउट होने जा रहा है और डेली चार्ट में भी स्ट्रेंथ दिख रहा है। अब ये ब्रेकआउट फॉल्स होगा या जेन्युइन होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मोमेंटम अगर आ गया तब हम लोग सब मिलके पैसा बना लेंगे। मोमेंटम नहीं आया तो हम स्टॉप लॉस हिट करा देंगे और फिर दूसरे स्टॉक्स में चले जाएंगे।